पुरुषों में जब मैं हेयर लॉस की बात करती हूँ तो एक कॉमन क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द मेल्स मुझे पूछते हैं कि मैम मैं ना फिनिस्ट्राइड पे था, क्या इस वजह से मेरी सेक्सुअल अर्जेस कम हुई हैं? क्या आपने भी हेयर फॉल को रोकने के लिए कोई दवाई खाई है जिससे अब आपको करने का ही मन नहीं करता, आपकी इच्छा कम होती जा रही है और आपको सेक्सुअल इशूज स्टार्ट हो गए हैं, लंबे देर तक नहीं रहता और टाइम में भी कमी है? तो चलिए बात करते हैं एक ऐसी दवाई जिससे धीरे धीरे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं और अगर आप ले रहे हैं तो आज ही रोक दो। हाय, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता, मैं एक सेक्स काउंसलर हूँ और आपको प्रोवाइड करती हूँ आपकी अपनी भाषा में इजी सेक्स सॉल्यूशंस। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसी काफ़ी सारी वीडियोज़ के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहें। आज मैं बात कर रही थी फिनिस्ट्राइड और हेयर लॉस एंड सेक्सुअल प्रॉब्लम्स। स्टडीज़ ने ये प्रूव किया है कि अगर आप फिनिस्ट्राइड लेते हैं अपने हेयर लॉस के लिए, जो यूजली जब आपको आपको लगेगा मेरा बॉल्डनेस शुरू हो गया है या प्रोपेशिया स्टार्ट हो गया है, बाल धीरे धीरे कम होने लग गए हैं, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपके बालों को चेक करके आपको कुछ दवाइयाँ लिख देता है, उसमें कुछ DHT ब्लॉकर्स होते हैं, कुछ फिनिस्ट्राइड जैसी चीज़ें होती हैं, वो जब आप लेते हैं तो धीरे धीरे आपके हेयर तो कहीं ना कहीं ठीक होने लग जाते हैं लेकिन आपकी सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम्स प्लस साइकेट्रिक जैसे बोलते हैं दिमागी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। आपका मूड बहुत डिप्रेस रहने लगता है, आपको अच्छा नहीं लगता है, आप सैड बैठे रहते हैं, कहीं ना कहीं काम करने का मन नहीं करेगा और वहीं से जो काम उत्तेजना है जिसे हम बोलते हैं सेक्सुअल डिज़ायर्स, वो कम हो जाती हैं। DHT ब्लॉकर्स आपके टेस्टोस्टेरोन को भी इम्पैक्ट करते हैं, आपके टाइम में भी दिक्कत देते हैं और स्टडीज़ ने जो हम बोलते हैं कि वीर्य, जो हम बोल रहे हैं कि आपका सेमेन है, उसकी क्वालिटी को भी इम्पैक्ट करता है। तो फिनिस्ट्राइड लेना जब तक वो चल रही है तो भी इम्पैक्ट करेगी और अगर आपने फिनिस्ट्राइड कभी ली है रिसेंटली तो 2-3-5 महीने तक आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए अगर आप हेयर लॉस की या हेयर ट्रीटमेंट की कुछ दवाइयाँ ले रहे हो तो तैयार रहो कि सेक्सुअल अर्जेस में प्रॉब्लम आएगी। इसके लिए जिस डॉक्टर से आपने दवाई ली उन्हें कम्युनिकेट करेंगे कि भाई मेरे को ये नहीं चाहिए, मैं ऑलरेडी प्रॉब्लम में हूँ, मुझे नहीं चाहिए, आप कुछ नेचुरल ट्रीटमेंट सजेस्ट करें, दैट इज़ बेटर। फिनिस्ट्राइड कहीं ना कहीं है तो नया है तो बहुत डेफिनेटली इफेक्टिव हो जाता है, हम जब ऐसा कोई शैम्पू या ऐसी कोई दवाई खाते हैं हमें लगता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो कितने साइड इफ़ेक्ट लाता है उसको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कुछ नेचुरल रेकमेंड करना है और अगर आपको धीरे धीरे महसूस होता है कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, स्पेशली अब मॉनसून सीजन है, तो पुरुषों के लिए स्पेसिफिक, मेरे को अभी रिसेंटली पता चला था, मेल्स के लिए, मेल्स हेयर फॉल के लिए एक ऑयल है जो कि उन्हीं के बॉडी, उन्हीं के ही हेयर्स के लिए बनाया गया है, तो आप इंक्लूड कर सकते हैं नेचर मेनिया हेयर फॉल कंट्रोल ऑयल। ये एक आयुष प्रमाणित तेल है जो पुरुषों के हेयर लॉस के लिए बना है। अगर आपको कहीं ना कहीं आपकी जो हेयर लाइन है वो वीक हो रही है, स्पॉट्स कहीं ना कहीं जैसे बोलते हैं सफ़ेद सफ़ेद धब्बे हैं बालों के बीच में, कहीं ग्रोथ हो रही है कहीं नहीं हो रही है और काफ़ी सारे बाल आपको अपने सराहने में, बाथरूम में, शर्ट पे मिलते हैं, तो डेफिनेटली कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जो घर में सारे तेल यूज़ कर रहे हैं उसको यूज़ करें बिना अपने लिए एक अलग ऑयल यूज़ करें। इस तेल के अंदर भृंगराज है, शिकाकाय है, ब्राह्मी है जो आपको रिलैक्स करेगा, आप जो ज़्यादा स्ट्रेस या टेंशन लेते हैं उसको बेटर करेगा, प्लस जो आपके क्लॉग्स जैसे हम बोलते हैं जहाँ से आपके बाल निकलते हैं वहाँ पे जब जो होता है वाइट वाइट चीज़ जम जाती है तो फिर ग्रोथ में प्रॉब्लम आती है, उसको बेटर करेगा। तो एक अच्छे ऑयल का मसाज और हेयर वॉशिंग, ये सॉल्यूशन है जो कि आपके हेयर लॉस को रोकेगा। वैसे अगर हम लेना चाहें तो हर दवाई जो कि इंस्टेंट रिजल्ट देगी वो साइड इफ़ेक्ट लाएगी, लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट नहीं लाएगा। इसमें नीम भी है तो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ लाता है, प्लस आयुष सर्टिफाइड है, इसके बेनिफिट्स मेन के लिए बहुत बेनिफिशियल है, ये फीमेल इस्तेमाल नहीं करेंगी, ओनली फॉर मेन है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ। और वो लोग जो फिनिस्ट्राइड को यूज़ करते हैं या DHT ब्लॉकर्स यूज़ किए हैं या कुछ किए हैं, अपने हेयर हेल्थ का ध्यान रखें क्योंकि साइड इफ़ेक्ट आएंगे तो फिर आप परेशान होगे, फिर दोबारा से कोई नई कोर्स ऑफ मेडिकेशंस करोगे, तो बेटर ये है कि जो आपकी मेडिसिंस है उनको डेफिनेटली चेकआउट करें और अपने डॉक्टर को कम्युनिकेट ज़रूर करें। एक अच्छे हेयर ऑयल का यूज़ करें जो सिर्फ पुरुषों के लिए हो। साथ साथ अगर आप देखें कि पुरुषों के लिए जो हेयर ऑयल बनते हैं या
पुरुषों के लिए वैसे तो हेयर ऑयल बनते ही नहीं, और जो हेयर ऑयल आप लगा रहे हैं उसके अंदर फीमेल की पिक्चर है लंबे बालों के साथ, तो पुरुषों के लिए डेफिनेटली कोई सोच ही नहीं रहा कि उनको किस तरह के हेयर ऑयल का इस्तेमाल करना है। इसलिए नेचर मेनिया हेयर फॉल कंट्रोल ऑयल एक नया पहल है उन पुरुषों के लिए जो अपने हेयर लॉस से ग्रसित हैं। डेफिनेटली आप इसको ट्राई करें, लिंक मैंने आपको दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बने रहें, जुड़े रहें और ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ के लिए कनेक्टेड रहें।